नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल पार्ट टू। जो पिछली क्लास में हमने सीखा था, पार्ट वन में हमने देखा था कि भाई हमने डिविजिबिलिटी रूल तैयार किया था पहाड़ों से। पहाड़ों से मतलब जैसे भाई 7 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था मैंने, आप 11 का भी बताया था, आप 13 का भी तैयार कर सकते हो, आप 17 का भी तैयार कर सकते हो। थोड़ा मैं आपको रिफ्रेश करा देता हूँ पिछली क्लास में क्या हुआ था। तो मैंने ये बताया था भाई जैसे अब किसी को 7 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है तो आपने क्या करना है, 7 की टेबल में 7 का डिविजिबिलिटी रूल बनाने के लिए क्या बताया था कि 7 की टेबल में ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिसका यूनिट डिजिट 1 हो। ठीक है भाई। तो किसी बच्चे ने कहा गुरुजी 7 के में तो 21 भी आता है। तो हाँ, मैंने कहा आता है, मिल गया वो नंबर जिसका यूनिट डिजिट 1 है। तो फिर मैंने ये बताया था कि भाई आपको जब डिविजिबिलिटी रूल बनाना है ना तो आप इस 1 को हटा दो, और ये जो बच गया ना वो डिविजिबिलिटी रूल बनाने के लिए जो नंबर मिलता है वो है ही, ये इसको बोलते हैं ऑस्कुलेटर। ऑस्कुलेटर लेकिन ये कौन सा ऑस्कुलेटर होता है, नेगेटिव। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि बस नेगेटिव ऑस्कुलेटर 2 है तो पॉजिटिव ऑस्कुलेटर लाने के लिए आप इसमें से इसको माइनस कर देते हो तो वो पॉजिटिव ऑस्कुलेटर आ जाता है 5। यानी किसी नंबर को आपको चेक करोगे, अगर आप 2 यूज करोगे, देखो आपने देखा होगा डिविजिबिलिटी रूल ऐसे ही तो चेक करते हैं, जैसे कोई नंबर ले लिया भाई 4, 6, 7, 8, ये नंबर ले लिया तो फिर बोलते हैं कि भाई लास्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो और बाकी में से माइनस करते चलो। तो मैं जैसे इसमें 2 के साथ चल रहा हूँ, मैं तो मैंने 2 को 7, 8 को मल्टीप्लाई किया, क्या है 16, मैंने 16 यहाँ लिख दिया, माइनस किया, माइनस किया तो क्या आया 7, 6, 1, 5, 4। अभी भी पता नहीं लग रहा आपको कि ये डिविजिबल है कि नहीं, तो एक बार और करते हैं, इसको हटाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2, 43। अब 43 में तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो मतलब जो शुरू में हमने नंबर लिया था, यहाँ जो भी नंबर लिया था वो भी डिवाइड नहीं होगा। ये 2 के साथ था और आप 5 के साथ भी कर सकते हो, 5 के साथ आप देखो करोगे तो क्या करोगे 343। लेकिन अब की बार आपको क्या करना, जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा 5 के साथ। ठीक है, कैसे, मैं इसको 5 से करके देख रहा हूँ, लास्ट ये नंबर है अपना 343। ओके, इसको देख रहा हूँ मैं 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो मैं 2 से नहीं कर रहा, अब की बार 5 से कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे, देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और काट दो, हटा दो इसको, 5, 3, 15, 49, 49 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। ऐसा करके कुछ मैंने बताया था पिछली क्लास में, और मैंने ये भी बताया था आप डिविजिबिलिटी रूल अपने हिसाब से किसी का भी बना सकते हैं। अगर इतना समझ में आ गया हो तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब सीखेंगे, ये सीखेंगे कि क्या 7 का डिविजिबिलिटी रूल, 11, 13, 17 का डिविजिबिलिटी रूल, क्या यही तरीका है 7 का डिविजिबिलिटी रूल कि 2 से ढूंढे, 5 से ढूंढे, या फिर 13 का आप लगा लो। मेरे कहने का मतलब ये है डिविजिबिलिटी रूल बहुत सारे हैं, आप अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, जो आपको कैलकुलेशन पसंद आए आप वो कैलकुलेशन यूज करो। बहुत रूल है, अभी मैं देखना 7 के डिविजिबिलिटी रूल और बनाऊंगा, 11 का भी बनाऊंगा, 13 का भी बनाऊंगा, आप देखना अभी। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 7, 11 और 13 इन तीनों का डिविजिबिलिटी रूल एक साथ, मतलब कंबाइंड करके हम सीखेंगे कैसे। कंबाइंड डिविजिबल रूल फॉर 7, 11 और 13 ये सीखेंगे हम। अब आप बोलोगे गुरुजी आपने तीनों को कंबाइंड क्यों किया, 17 क्यों नहीं लिया, या 11 सॉरी
19 क्यों नहीं लिया, इन तीनों का ही आप कंबाइंड क्यों बनाना चाह रहे हो, उसका रीजन भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल ये है कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7, 11, 13। ठीक है, इससे पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट और बताना चाहूँगा रिमाइंडर का। रिमाइंडर मतलब जब आपको कोई नंबर में डिवाइड करने के लिए बोला जाता है, जैसे भाई लिख दिया 28 और बोले 5 से डिवाइड करो, तो बच्चा लिखता है ऐसे, ये रिमाइंडर। बच्चे से पूछा जाता है रिमाइंडर बताओ, बच्चे ने बोला गुरुजी 5 को 5 बार भाग किया, 25 यहाँ लिखा और इसमें से माइनस करके लिख दिया, तो ये आ गया रिमाइंडर। ये जब वो बच्चा भाग कर रहा था तो दूसरा कोई खड़ा हो गया, दूसरा बच्चा देख रहा था, उसने बोला यार ये किसने बताया था आपको कि 5 से डिवाइड करना है, ऐसा नहीं हो सकता क्या? कैसा? तो बोले कि ऐसे भी तो हो सकता है, आपने 5 बार पढ़ा पढ़ा, मैं 6 बार पढ़ लेता हूँ, आपने माइनस किया मैं भी माइनस कर देता हूँ। काम तो ये बच्चे ने जो ये काम किया है दूसरे ने भी यही तो किया है, गलत किया इसने। रिमाइंडर तो यहाँ भी -2 है और रिमाइंडर यहाँ भी 3 है, लेकिन पता है क्या, रिमाइंडर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, सॉरी रिमाइंडर कभी पॉजिटिव हो नहीं सकता, सॉरी सॉरी सॉरी, रिमाइंडर नेगेटिव कभी हो नहीं सकता। तो उस बच्चे से बोला यार तू नेगेटिव रिमाइंडर लाया है, मेरे को तो पॉजिटिव चाहिए। पहले वाला बच्चा बोला यार ऐसे डिवाइड कर पॉजिटिव आ जाएगा, ये बोलता है क्या इतनी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी? बोला हाँ बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो उसने बोला कि इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, मेरे को पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरा नेगेटिव रिमाइंडर आ भी जाता है बाई चांस तो मैं क्या कर दूंगा उसमें, मैं जिससे डिवाइड कर रहा हूँ वो जोड़ दूंगा, तो ये मेरा पॉजिटिव रहेगा। समझ में आ गया? अगर गलती से भूल चूक से रिमाइंडर नेगेटिव आ भी जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसमें +5 मतलब आप जिसमें डिवाइड जिससे डिवाइड कर रहे हो उस रिमाइंडर में आप वो जोड़ दो, वापस आपको पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। अब देखो इधर भी रिमाइंडर 3 है और इधर भी 3 है। एक एग्जाम्पल से और बताता हूँ आपको, नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है ये, और बहुत यूज आता है, अच्छी अच्छी कैलकुलेशन मतलब बहुत ईजी बना देता है ये। जैसे किसी ने बोला भाई 35 डिवाइड करो 7 से, सॉरी 7 से डिवाइड हो जाएगा, किसी ने बोला कि डिवाइड कर दो 9 से, 9 से डिवाइड किया तो एक बच्चा था बोला लो गुरुजी 9 3 27 और 8, ये रिमाइंडर हो गया, बता दिया एक रिमाइंडर हो गया 8। लेकिन एक जो दूसरा बच्चा था उसके पास इतना टाइम था ही नहीं, उसने क्या किया 9, उसने 4 बार पढ़ा पढ़ दिया और बोला सर लो गुरुजी रिमाइंडर -1। गुरुजी गुस्सा हो गए, बोले माइनस में रिमाइंडर मना किया, मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, तो बोले लो जिससे डिवाइड किया है वो इसमें ऐड कर देता हूँ, ये लो 8 रिमाइंडर। क्या यही नहीं है क्या वो रिमाइंडर पॉजिटिव? तो बोला फिर इसका यूज क्या करना गुरुजी, -1 रिमाइंडर को अगर जब पॉजिटिव लाना ही है तो फिर इसका यूज क्या है? वो यूज अभी हम 7, 11 और 13 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, उसमें यूज होगा। उसमें क्या यूज होगा? नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको ये चीज समझ में आई है तो बताओ नेगेटिव रिमाइंडर। अब नेगेटिव रिमाइंडर की ये नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है, गलती से आपके पास नेगेटिव रिमाइंडर आ जाता है तो डिविजर जिससे आप भाग कर रहे हो उसमें ऐड करो और वापस वही आपको पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। अब इसका यूज हम इसमें सीखेंगे। एक चीज हो रहा है, एक चीज हो रहा है भाई रिमाइंडर की, जैसे किसी को बोला कि भाई 15 × 7 है और तुम इसको डिवाइड कर लो 4 से और रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर बताओ। एक बच्चा था बोला ठीक है गुरुजी इसमें कौन सी बड़ी बात है, 105 मुझसे मल्टीप्लाई किया / 4 और बोला रिमाइंडर बताना है, और ये अभी बता देते हैं 105, 13 बार भाग गया और रिमाइंडर 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। बोले ठीक है ठीक। दूसरा बच्चे ने क्या किया, उसने क्या किया बोला इसमें मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, वो बोला मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, मैं बोला अलग अलग डिवाइड करूंगा। उसने क्या किया, पहले यहाँ डिवाइड किया,
11 से डिवाइड किया तो 15 में 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। उसने फिर यहाँ डिवाइड किया अलग अलग, यहाँ भी क्या रिमाइंडर आएगा? 3। और उसने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बता दिया, बोलो ये लो गुरु जी ये मेरा रिमाइंडर है। तो किसी ने बताया, बोला रिमाइंडर तो हमेशा जिससे डिवाइड करते हैं उससे छोटा होता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो 4 ही रिमाइंडर बच सकते हैं, तेरा रिमाइंडर तो 4 से बड़ा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। बोला ठीक है 4 से बड़ा। तो उसने क्या किया, एक बार और डिवाइड कर दिया, और ये लो गुरु जी अब लो रिमाइंडर। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर की प्रॉपर्टीज है ये, आपको 3 4 5 जितनी भी संख्याएं अगर दे रखी है, मल्टीप्लाई में दे रखी है, और आपसे पूछा जाता है कोई नंबर दे के कि इसको इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, मेरे कहने का मतलब है आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अच्छे से हजारों संख्याएं हो, आपको अलग अलग डिवाइड कर लो और सबको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो नंबर जिस नंबर से भाग दे रहे हैं उससे बड़ा आ रहा है तो आप दोबारा भाग दे लो, रिमाइंडर आ जाएगा। ये चीज़ मल्टीप्लाई प्लस माइनस सबके साथ फॉलो होती है। आप देख लो, चाहे ऐसे भी करके देख लो, जैसे कोई संख्या है 52, 7 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ क्या आएगा भाई? 7 × 2 56, -4 रिमाइंडर। अब मैंने बोला -4 तो होता ही नहीं, तो बोला ठीक है इसमें +7 जोड़ दो, 3 रिमाइंडर आ गया। आप देख लो 7 × 7 49, 52 − 49 3 ही आएगा, लेकिन किसी ने -4 निकाल दिया पहले, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, +7 जोड़ के 3 हो गया। एक तरीका भी है, एक रिमाइंडर क्या, एक जो रिमाइंडर की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, किसी ने गलती से ये लिख लिया भाई 28 + 24, 28 + 24, मतलब 52 को उसने ऐसे लिख लिया 28 + 24, तो बोला अब रिमाइंडर बताओ। तो कोई बात नहीं, अब अलग अलग डिवाइड कर दो, इसमें इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0, निशान प्लस का है प्लस, इसमें इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा, 7 × 21, 24 − 21 3, तो अब दोबारा आप रिमाइंडर को ऐड कर लो, 0 + 3 रिमाइंडर 3। ये इतनी चीज़ें मैं यूज करके 7, 11 और 13 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने जा रहे हैं। अभी आप देखना, आपको ये नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये वाला नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप दो एक संख्या को तोड़ के भी अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 52 में डिवाइड किया, 7 से 3 आया, 28 + 24 लिख के 7 से डिवाइड करोगे तो भी ही 3 आएगा, बस अब करना क्या है, अलग अलग डिवाइड करना है। इसमें भाग दिया 28 पूरा कट जाएगा रिमाइंडर 0, इसमें दिया तो 21, 3 + 0 रिमाइंडर 3। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं भाई, डिविजिबिलिटी रूल 7, 11। अब सुनो, अब आप बोलोगे कि गुरुजी आपने 7, 11 और 13 को एक साथ क्यों लिया, उसका रीजन बताओ। उसका रीजन मैं बता दूंगा, क्योंकि 7, 11 और 13 तीनों ही ऐसे नंबर हैं जो क्या करते हैं, 1000 में आप 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा आपका -1, रिमाइंडर क्या आएगा -1। दूसरा नंबर है मेरे 11, इसमें आप डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा -1। तीसरा आप करोगे 13, रिमाइंडर आएगा -1। इसलिए मैं इनको तीनों को एक साथ लिया है, बस एक साथ बनाऊंगा डिविजिबिलिटी रूल, और वो तीनों का बन जाएगा, 7 का भी, 11 का, 13 का भी, लेकिन बनाऊंगा कैसे वो देखो। आप देखो ये 1000 है, इसको मैं क्या लिख सकते हैं, 10 क्यूब, 10 क्यूब, 10 लिख सकते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर है ये। आप 1000 में 7 से डिवाइड करके देख लो, नेगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा, 11 से करके देख लो नेगेटिव रिमाइंडर -1, और इससे करके देख लो नेगेटिव रिमाइंडर -1। ऐसा है तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, कोई भी एक ये करके दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे भी 1000 में 11, 11 99,
1-0, फिर किसी ने भाग दिया एक बार, 11 एकम 11, और ये रिमाइंडर -1 है कि नहीं -1, ये मैंने चेक कर लिया, ये दोनों आप चेक कर लेना। तो बोला गुरुजी इसका फायदा क्या है फिर? ठीक है, 10 क्यूब में 7, 11 और 13 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर -1 -1 -1 आ रहा है, तो मैं करूँ क्या इसका, मेरी जिंदगी में इसका क्या यूज, वो मैं बताता हूँ अभी। देखो अब देखेंगे भाई आप, जैसे किसी ने नंबर लिखा भाई, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टू, ये नंबर लिखा किसी ने और बोला कि ये 7, 11 और 13 से डिविजिबल है या नहीं, है या नहीं बताओ। ठीक है, हम बोले हम बताते हैं अभी। देखो हमको तो ये पता है कि 10 की क्यूब 7 में रिमाइंडर -1 बचता है रिमाइंडर, और भले ही वो 11 हो और भले ही वो 13, और मैं अब इधर इस चीज़ को ऐसे लिख रहा हूँ। देखो अब चीज़ों को हम ऐसे लिखते हैं ना भाई, जैसे 582 है तो इसको लिखते हैं 5 × 100 + 82, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि 6849 है उसको क्या लिख सकते हैं, जैसे 6 के साथ मेरे को 0 लगाने हैं तो कितने 0 लगाऊंगा, 1 2 3 = 849 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, उसी को मैं ये लिखना चाह रहा हूँ। देखना अभी मैंने लिखा 5 6 7 और + 8 9 2 लिखा, ठीक है, ठीक इनटू ये मैंने लिख दिया, ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर मैंने ऐसे लिख दिया जिसमें 10 की क्यूब लेके आ गया मैं। वो कैसे लेके आया, देखो यहाँ से लेके आया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको डिवाइड करना है भाई, पता करना 7, 11 और 13। मैं पहले 7 से डिवाइड करके देखता हूँ, मैं जैसे ही 7 से डिवाइड करूँगा तो देखो ये एक नंबर है, पूरा पूरा है, बिल्कुल है, और एक ये नंबर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपको अगर नंबर टुकड़ों में दे रखे हैं और पूछे कोई 7 से डिवाइड करके बताओ तो आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अलग अलग भी कर सकते हो। अभी जस्ट बताया मैंने, इसलिए बताया था ताकि ये 10 की पावर क्यूब इसमें प्लस आएंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। अब मैं क्या करूँगा, इनको गुणा करके जोड़ने के बजाय इनमें अलग अलग डिवाइड कर लूँ, तो मैं अलग अलग डिवाइड करूँगा तो यहाँ क्या आएगा, रिमाइंडर 10 की पावर क्यूब / 7, रिमाइंडर क्या आता है -1, ये आएगा मेरा 5 6 7 × -1 और +8 9 2, कुल मिला के मेरा ये आ गया -5 6 7 + 8 9 2, ये निकल के आया मेरा। और मैं इसको और भी आगे सोल्व करता हूँ तो आएगा ये 12 में से 7 गए 5, 8 में से 6 गए 2 और 8 में से 5 गए। अब मेरे को पता लगाना है कि अगर 325 में भाग जा रहा है 7 का तो इस संख्या में भी जाएगा, 325 में भाग जा रहा है किसका, 11 का, तो इसमें भी जाएगा, 325 में भाग जा रहा है 13 का तो इसमें भी जाएगा। अब ये 325 आया कैसे, अब देखो भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा 7 का, 728 4 45 नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये भी 7 से तो नहीं कटेगी, इसमें 11 का जा रहा है, 11 का भी नहीं जा रहा, तो ये नंबर भी 11 से नहीं कटेगा। 13 का जा रहा है इसमें, 13 का, 13 दूनी 26 6 और 13 5 65, देखो 13 दूनी 26 6 बचेगा 5 13 5 65, यानी ये 13 से ही नंबर डिवाइड हो जाए। मतलब ऐसा ऑपरेशन करने के बाद जो लास्ट नंबर आता है उसको आपको चेक करना है, 7 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा नंबर भी 7 से होगा, 11 से होगा तो ये भी 11 से होगा, और वो 13 से है तो वो भी 13 से होगा। समझ में आया। अब
अब बोलेंगे गुरु जी आपने ये लिखा कैसे, प्लस और माइनस। मैंने कहा यार ये माइनस रिमाइंडर मेरे को पता है, 10 की पावर क्यूब में मैं करूँगा तो हमेशा मेरा रिमाइंडर माइनस एन आएगा, और ये आएगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो गुरु जी इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत थी, हम तो सीधा भी तो लिख सकते हैं, कैसे करना क्या है? बोला गुरु जी आपने ऐसे ही तो लिखा है, तीन का एक पेयर बना लिया और यहाँ लिखा प्लस और यहाँ लिख दिया माइनस, तो ये चीज़ तो डायरेक्ट भी लिखी जा सकती है। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल सही बात है, आप यहाँ से डायरेक्ट भी देख के लिख सकते हो। जैसे भाई कोई नंबर दिया आपको, तीन तीन के पेयर बनाओ प्लस माइनस, अगला तीन पेयर आएगा वो फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो जैसे किसी ने लिखा 7 6 2 3 9 6, 7 11 और 13 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, 7 11 और 13 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करो। आपने कुछ नहीं करना है, आपने करना ही है बस ये प्लस ये माइनस। तो 396 में 7 6 2 गए, 6 में 2 गए 4, ये 3 और ये कितना आएगा 6, 634। 634 का पता नहीं लग रहा अभी, तो एक डिविजिबिलिटी रूल आप और भी तो जानते हो साथ का जो मैंने पढ़ाया था। देखिए हम फैसिलिटी के हिसाब से यूज करते हैं। अब क्योंकि ये बड़ा नंबर था तो मैं इसमें पहले ही वो 7 वाला लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस करूँगा तो मेरे लिए थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि बड़ा नंबर है। तो बड़े नंबर को मैं पहले एक रूल मैंने अभी जनरेट किया है, प्लस माइनस कर दोगे आप तो ये आ जाएगा, तो वहाँ से छोटा हो गया नंबर। अब मेरे पास प्लस माइनस करने के लिए कम से कम 3 नंबर तो चाहिए, ये खुद ही 3 है। तो अब हम जो रूल जानते हैं वो लगा लेंगे। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था मैंने, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो बाकी में माइनस कर दो। तो लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा, 8। ये 7 से डिविजिबल है नहीं, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं हो, नंबर है 634। 11 से देखना है 11 से डिविजिबल है कि नहीं। 11 के लिए क्या करोगे आप, 11 के लिए मैंने रूल बताया भी था आपको, ये एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस के लिए, जैसे ये प्लस हो जाएगा ये माइनस ये प्लस, 4 में से 3 गए 1, 1 प्लस 6 7, तो 7 में डिवाइड होता है 11 से, नहीं होता, तो ये नंबर 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। 13 का आप चेक करके देख लेना। तो कुल मिला के मैंने ये बताया आपको, आपने बहुत सारे टीचर एजुकेटर को देखा होगा कि वो बता देते हैं कि तीन तीन का पेयर बना लो, लेकिन कोई ये बताता नहीं कि वो तीन तीन का पेयर बनाऊं क्यों मैं, क्या दिक्कत है। थोड़े और एग्जांपल करता हूँ देखो, इसके बाद हम CDS में 2021 में आया हुआ एक क्वेश्चन है वो करके दिखाएंगे आपको डिविजिबिलिटी रूल से, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। अब हमको पता लग गया कि भाई 10 की पावर क्यूब में अगर 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर -1, 10 की पावर क्यूब में आप 11 से करोगे तो रिमाइंडर -1, 10 की क्यूब बटे 13 करोगे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा माइनस। बस इस चीज़ का फायदा मैंने उठाया है और मैंने कर दिया। अब आप बताओ 10 की क्यूब अपॉन 7 रिमाइंडर -1 है, तो मैं 10 की पावर ऐसे कर दूं स्क्वायर बटे 7 तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करके भाग दूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा रिमाइंडर। अरे भाई आप बोलोगे सर आपने प्लस चेक कैसे कर दिया, आप जो हरकत अपने नंबर के साथ करोगे वही आपको रिमाइंडर के साथ करनी पड़ेगी। जैसे देखो 43 में 7 से डिवाइड करो आप क्या आएगा, रिमाइंडर 1। मैं बोल रहा हूँ आप ऐसे करो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो अपने 43 × 2, अब बताओ रिमाइंडर। तो आपके पास दो रास्ते हैं, आप क्या कर सकते हो, इसको 84 भी लिख सकते हो, नहीं सॉरी 86 भी लिख सकते हो, 86 में अब 7 का डिवाइड दो जो रिमाइंडर है वो लिख दो। लेकिन समझदार आदमी क्या करता है, उसको ये पता है रिमाइंडर 1 आ रहा है, अब पूछ रहा है इसको डबल करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो वो क्या करेगा डिवाइड करके नहीं देखता, वो उस डायरेक्ट रिमाइंडर को डबल कर देता है। अब करके देख लो, वही चीज मैंने यहाँ की है, देखो दोबारा समझेंगे।
दोबारा समझेंगे। जैसे भाई किसी ने लिखा टेन अपॉन 106 अपॉन 3, रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर एक आएगा। अब कल को कोई बोल देना 106/3 इसके स्क्वायर करके रिमाइंडर बताओ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जो काम नंबर के साथ किया वो रिमाइंडर के साथ कर लो। आपने नंबर को क्या किया है, स्क्वायर से किया है, तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यही चीज मैंने यहाँ बताई है। अगर 10³/7 रिमाइंडर -1 है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर किया, यहाँ भी स्क्वायर हो गया, यहाँ स्क्वायर किया, यहाँ भी स्क्वायर हो गया। आगे समझ में? कुल मिला के 10³/7 रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ भाई, मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ एक साथ -1। 10⁶ लूंगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। 10⁹ लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये इसका क्यूब है, नहीं 3 से मल्टीप्लाई किया इसने, क्यूब है, क्यूब 3×3, तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। फिर -1 का क्यूब करोगे तो वापस रिमाइंडर -1, फिर 10⁻¹ रिमाइंडर 1, फिर 10⁵, फिर -1। तो ऐसा करके क्या होता है, एक बार रिमाइंडर +1 -1 +1 -1 +1 -1 ऐसे चलता रहेगा, तीन तीन के पेयर में, तीन तीन के पेयर में ऐसा चलता रहेगा। अब एक नंबर देखो आप, जैसे किसी ने लिखा 1 2 3 1 2 3, 13 से डिवाइड, सॉरी 7 से डिवाइड करो और बताओ, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, तीन का पेयर बनाना है ऐसे, ये प्लस आए और ये माइनस, 130 में से 130 गए, 0। 0.7 रिमाइंडर भी क्या होता है, 0। इससे आप क्या समझे कि कोई तीन डिजिट का नंबर अगर दो बार रिपीट किया है तो हमेशा 7 से डिविजिबल होगा, क्योंकि प्लस माइनस करने पे क्या आता है, 0। और 0 7 से ही क्यों, 0 तो 11 से भी डिवाइड होती है तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 0/13 तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0। इससे हम एक बात समझे, कोई भी तीन डिजिट का नंबर, कोई भी तीन डिजिट का नंबर अगर दो बार रिपीट हो रहा है तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0 0 0। तो बोले गुरु जी दो बार रिपीट हो रहा है, चार बार हो जाए तो, मैं ठीक है जैसे लिखा 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1, तो भी तीन तीन ये पेयर बनाने, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये 10³ पे होगा ये नंबर, आप करके देखना, और ये 10⁻, ये 10³ पे होगा, ये फिर 10⁶ पे होगा, ये 10⁹ पे होगा, यानी 3 की जितनी भी इवन पावर है, 3 की जितनी भी सॉरी ओड है, ओड में क्या होता जाएगा, माइनस होता जाएगा, और जब आप स्क्वायर करते रहोगे तो प्लस होता रहेगा ऐसे देखो। तो आप क्या करोगे, ये दोनों क्या देंगे आपको, 0, ये दोनों क्या देंगे, 0, तो ओवरऑल रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो मेरे कहने का मतलब है अगर तीन डिजिट का नंबर दो बार, चार बार, छह बार, आठ बार, 10 बार, 12 बार लिखा है तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 7 और 11 और 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 0। तो मैं इसका कंक्लूजन लिख देता हूँ, अभी आप लिख सकते हैं, आप देखेंगे, मैं लिख रहा हूं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, If any three digit number is repeated even number of times,
देन इट विल बी डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 30। ये इसका कंक्लूजन है कि कोई भी तीन नंबर की कोई संख्या इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर रिपीट हो रही है तो वो 7, 11 और 13 से क्या होगी, डिवाइड होगी। अब बोलोगे गुरु जी इवन नंबर मतलब, इवन नंबर कुछ नहीं, आप देखो इवन नंबर का मतलब ये है कि वो तीन अंकों की संख्या है, जैसे ए बी सी है, ए बी सी, वो ऐसे लिखे हो ए बी सी, ए बी सी दो बार रिपीट है, या फिर 4 बार हो, या फिर 6 बार हो, या फिर 8 बार हो, या फिर सॉरी 6 बार हो, 8 बार हो, 10 बार हो, 12 बार हो, मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स, यानी दो के गुणा, दो के भाड़े में जितना नंबर आते हैं उतनी से वो कितनी बार भी लिखे हो, हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 है। 7 से डिवाइड करोगे तो भी 0, 11 से डिवाइड करोगे तो भी 0, 13 से डिवाइड करोगे तो भी 0। अब एक बात पूछना चाहता हूँ मैं, आप एक बात बताओ भाई, कोई नंबर 3 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है तो क्या 12 से डिवाइड नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप मेरे को कोई ऐसा नंबर बता दो जो 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है और 12 से नहीं है। है ही नहीं कोई नंबर। देखो आप फर्स्ट नंबर कौन सा आता है, 12 ही आता है, 12 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी। ये यानी दो को प्राइम नंबर है, दो को प्राइम नंबर, कोई नंबर अगर दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है तो उनके मल्टीप्लीकेशन से भी डिविजिबल होगा। अब आप बताओ, अब कोई ए बी सी और ए बी सी 7 से डिविजिबल, 11 से और 13 से, तो आपको नहीं लगता कि जो 7 के लिए डिविजिबिलिटी रूल है वही 77 के लिए हो जाएगा? भाई जो नंबर 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, तो ये 77 से भी डिविजिबल होगा। 7 से डिविजिबल है और 13 से डिविजिबल है तो 91 से भी होगा। होगा नहीं होगा? 77, 91 और इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 7, 11 और 13, ये 1000। ये है भाई डिविजिबिलिटी रूल, 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का जो तरीका है ना, एबीसी एबीसी, वो इनके लिए भी लागू होगा, 77, 91 और ये 1001। समझ में आया? तो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, क्या लिख रहे थे? तो आप लिख लो समराइज करके, 7, 11, 13, 77, 91 और 1001। जब भी आपको कोई डिविजिबिलिटी रूल दे इन नंबरों से चेक करने के लिए तो तरीका यही रहेगा भाई, ए बी सी ए, जैसे कोई नंबर दिया किसी ने 1 2 3, 1 2 3 पेयर बनाओ, प्लस माइनस 0, 0 7 से कटता है ये कटेगा, 0 11 से कटता है 11 से कटेगा, 0 13 से कटता है 13 से भी कटेगा, 0 77 से कटता है इससे भी कटेगा, 91 से कटता है इससे भी कटेगा, 1001 से कटता है इससे भी कटेगा। ये था आज का डिविजिबिलिटी रूल जो 7, 11 और 13 पे था। ऐसे आप बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल खुद भी बना सकते हैं। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप कोशिश करना इसकी, 27 × 37 इज इक्वल टू होता है 999। थोड़ा और हिंट देता हूँ, यानी आप 1000 में अगर 27 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, और इसमें भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो भी बचेगा रिमाइंडर 1। ये भी क्या है, 10 की क्यूब, और ये भी क्या है, 10 की क्यूब, यानी 10 की क्यूब में आप 27 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 10 की क्यूब में 37 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर क्या बचेगा 1। इस पे डिपेंड 27 और 37 का डिविजिबिलिटी रूल आप खुद बना सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, आप डिविजिबिलिटी रूल बना के देख लें, इसका नहीं आए तो अगली क्लास में मैं बताऊंगा। अब कर लेते हैं एक सीडीएस का क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त सीडीएस का क्वेश्चन पूछा था 2021 में,
13 की डिविजिबिलिटी रूल पे है वो। मैं वो क्वेश्चन देखता हूँ कहाँ है। क्वेश्चन ये है भाई, वो ये क्वेश्चन आया एग्जाम में 4132 83P 75 9387 ये क्वेश्चन आया भाई। और बोला कि ये 13 से डिविजिबल है भाई, 13 से डिविजिबल है, तो आपको पी की वैल्यू बतानी है। मतलब यहाँ पे पी है, ये क्या होगा, ये जो पी है, ये क्या होगा, ये क्वेश्चन आया। चलो करते हैं जो हमने सीखा है। मैंने क्या बताया था, राइट हैंड साइड से तीन तीन के पेड़ बनाओ, एक दो तीन और छः, ये बन गया राइट हैंड। करना कुछ नहीं है, प्लस माइनस और प्लस ये करना है आपने, ठीक है। तो मैं इसको जोड़ रहा हूँ, 387 और ये 4 कितना हो गया, 391, 391 और 757, सॉरी ये और ये कितना हो गया, 391 और ये, मतलब 391 तो प्लस 83P और -759 ये आ गया। चलो भाई आ गया, अब क्या करते हैं, ये कर लेते हैं भाई, इसमें से ये माइनस करते हैं, तो ये माइनस आएगा, 9 में से गया 8, 9 में से गया 8, 15 में से 9 गए 6, और यहाँ बच गया 6, 6 में से 3 गया 368 प्लस 83P। अब इसको करेंगे 83P638, यही है ना भाई, तीन तीन का पेयर बना, 387 प्लस 491 प्लस 83P, और यस, ओहो हमने गलती कर दी भाई, ये भी छोड़ दिया ना, ये हो रहा है भाई -132, -132 को छोड़ दिया भाई हमने, तो ये यहाँ लगा देते हैं, कोई बात नहीं, -132। तो अब जैसे -132 करोगे तो ये 368 और -132 ये क्या हो जाएगा भाई, 500 माइनस का ये आएगा। अब इसको माइनस करोगे पी थ्री, यानी नंबर हमारा निकल के आया लास्ट में 3 3 P। अब आप इस नंबर को देखना है, ये 13 से डिविजिबल है ये नंबर, क्योंकि तो खुद बोला क्वेश्चन में कि ये 13 से डिविजिबल है, हमने हमारा तरीका लगाया, तीन तीन का पेयर बनाया, लास्ट में ये निकाल के लिया 3 3 P। तो चलो इसको 13 से डिवाइड कर ही लेते हैं, 13 दूनी 26, 7। अब मेरे को यहाँ उतारना है पी, और मेरे को पता है 13 से डिविजिबल है तो यहाँ लास्ट में रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 आएगा तो ये कट नहीं चाहिए, तो 13 के पहाड़े में ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 के साथ बैठता है, 1300 के बाद 13 6 78, तो ये 6 बार जाएगा, 13 6 78 और ये 0 गया। इसका मतलब पी और 8 दोनों बराबर है, 8 ही पी है और पी ही 8 है, तो आंसर क्या आएगा इसका, पी इज इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन आया था भाई CDS 2021, CDS 2021 फरवरी में शायद एग्जाम था ये, तेरा इतना बड़ा क्वेश्चन देते हैं डिविजिबिलिटी रूल के साथ, कुछ नहीं करना, तीन तीन के पेयर बनाओ ऐसा करके लास्ट तक जाओ, और ये 0। और भी बहुत तरीके हैं देखो डिविजिबिलिटी रूल बनाने के लिए, आपको कोई भी एक रूल याद नहीं करना है। देखो जैसे मैं 13 का डिविजिबिलिटी रूल ये यहाँ लगाया, और जो मैंने आपको पहली क्लास में 13 का डिविजिबिलिटी रूल सिखाया था, इसका आप स्क्रीनशॉट लें तो ठीक है, नहीं मिटा रहा हूँ मैं इसे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैंने 13 13 का डिविजिबिलिटी रूल पिछली क्लास में क्या सिखाया था, मैंने ये सिखाया था पिछली क्लास में, ये था भाई जैसे, तो मैंने ये बताया था भाई 13 की टेबल में ढूंढो ऐसा कोई नंबर ढूंढो जिसका इकाई का अंक 1 हो, तो बच्चों ने बताया था गुरुजी वो तो 1 होता है,
मैंने कहा था इस वन को भूल जाओ, और नाइन है तुम्हारा। नाइन क्या है? नेगेटिव ऑस्किलेटर। नाइन क्या है? नेगेटिव ऑस्किलेटर। फिर मैंने बताया था जैसे भी चेक करना है आपको 221 13 से डिविजिबल है कि नहीं। मैंने ये बताया था अभी लास्ट नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस कर दो। तो इसमें करेंगे तो 1 से 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे 9, और ये आ जाएगा 13। 13 13 से कटता है तो ये नंबर भी कटेगा। अब आप बोलो गुरु जी, आपने अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें ये रूल क्यों नहीं लगाया? मैंने कब मना किया? अब लगा के देख लो, अगर कर सकते हो तो आ जाएगा। मैंने वो दूसरे तरीके से क्यों किया? वो मैंने इसलिए किया क्योंकि नंबर छोटे होते हैं बिल्कुल ही, तब हम ये यूज ले लेते हैं। वो बहुत बड़ा नंबर है, आपको मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस, मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस। तो डिविजिबिलिटी रूल बहुत है, आप अपने खुद बना सकते हो। आप इसमें जरूरी नहीं है मैंने तीन तीन के पेयर बनाए, आपको बताऊँ आप 9 का पेयर भी बना सकते हो। 9 का पेयर, खुद हिंट दे रहा हूँ, करके देखना। आप 9 का पेयर बनाओगे, 9 के पेयर में क्या होता है हमने सीखा भी, रिमाइंडर 10 की पावर 3/13, रिमाइंडर -1। तो रिमाइंडर 10 की पावर 9/13 क्या होगा? -1 ही होगा। तो आप 9 का बना सकते हो, 9 9 के पेयर बना लो, इधर 9 का और इधर 9 9, मतलब राइट हैंड से शुरू करो, 9 9 9 9। अगर 4 भी बच गए तो आगे 2 0 लगा लेना। रिमाइंडर अगर मान लो इधर एक पेयर 9 का बन गया, इधर बन नहीं रहा, तो जैसे 7 ही डिजिट है तो 2 0 अपनी तरफ से लगा लेना, तो भी हो जाएगा क्वेश्चन। चलो आपको उससे करके दिखाता हूँ, लास्ट है ये। कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट कि 10 की पावर रिमाइंडर -1 और 10 की पावर 9 भी रिमाइंडर क्या आएगा? -1। क्वेश्चन ये था 4132 83P 75 9387। आप इसका 9 का पेयर भी बना सकते हो भाई, 10 की पावर 3 13, रिमाइंडर -1 है तो 9 भी तो रिमाइंडर -1 दे रहा है। 9 के पेयर बना लो, 9 के पेयर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक 9। अब आगे 9 का पेयर बचा नहीं तो जितने 0 कर लो, बात तो एक ही है, 4 4 8 9 हो गया। अब बोलो गुरु जी 9 के पेयर में क्या करना है? कुछ नहीं करना, एक बार यहाँ ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा आपको। देखो मैं ये माइनस कर रहा हूँ 4 1 3 2, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 3 5, 3 में से 1 2, 9 5 5 7 P 3 और 8 अभी आ गया। अब ये नंबर फिर बड़ा है, अब हम 9 का पेयर बना सकते हैं, 9 का बना सकते हैं और किसका बना सकते हैं? 10 की पावर 3 का, 2 2 4 और 2 6। तो आप अब की बार क्या यूज करना पड़ेगा? 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 यूज करोगे तो अब की बार 3 का पेयर बन जाएगा, प्लस माइनस प्लस। अब आप जोड़ जोड़ के देखोगे इसको, 755 में से 255 का क्या आएगा? इस पे ऐसे तो लिखोगे ना भाई आप 83P, और ये आ जाएगा आपका -500। ये वही चीज निकल के आ गई जो पिछली बार आई, 83P और 500, ये मैंने आपको बता ही दिया है, 83P-5, ये आ जाएगा P3P। तो P की वैल्यू क्या होनी चाहिए इधर? 8। चलो तो कैसा लगा आपको कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल 7 11 और 13 का? क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे और भी डिविजिबिलिटी रूल है, 11 का है। 11 का में आपने आज तक ये सुना होगा कि ओड ओड प्लस इवन प्लस ओड प्लस इवन प्लस करके माइनस कर दो तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक हो जाता है। बहुत है डिविजिबिलिटी रूल, एक तो मैंने बताया भी था, दूसरा दो अंकों को यूज करके कैसे 11 का डिविजिबिलिटी रूल बनाए, वो तो सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।